What is the geometrical shape of equipotential surface due to a single isolated charge? एक सिंगल आइसोलेटेड मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है स्फेरिकल। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू अपॉन आर, जहां पर आर सेम वहां पर पोटेंशियल सेम। सो सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट किसी पॉइंट चार्ज से कैसे सरफेस ड्रॉ करेंगे स्फेरिकल। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक चार्ज लिया हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है पॉजिटिव से अवे, और अगर आइसोलेटेड चार्ज है सिंगल चार्ज है तो इससे रेडियली अवे। सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज ये, फिर ऐसे इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स, अगर निगेटिव होता तो बस टुवर्ड्स हो जाता। अभी ये अवे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव के लिए टुवर्ड्स। अब हमें ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या होती है परपेंडिकुलर। तो यहां पर परपेंडिकुलर ऐसे, यहां पर परपेंडिकुलर इसके ऐसे, यहां पर ऐसे, तो सरफेस कैसी बन जाएगी स्फेरिकल, कैसी बन जाएगी स्फेरिकल। सेम डिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो शेप कैसी इनकी स्फेरिकल। इससे भी देख सकते हैं पोटेंशियल मैंने क्या बताया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर। तो अगर पोटेंशियल सेम करना है तो आर को सेम करना पड़ेगा, और इस चार्ज से आर डिस्टेंस अगर सेम है तो शेप यहां 2D में तो आपको सर्कल दिखाई देगी, लेकिन 3D में कैसी हो जाएगी शेप स्फेरिकल। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस आइसोलेटेड चार्ज के लिए स्फेरिकल। ऐसी अगर लाइन चार्ज हो तो सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट यहां सर्कल और फिर सिलेंड्रिकल हो जाती है, अगर लाइन चार्ज है तो, जैसे स्ट्रेट लाइन वायर की वजह से, इसकी वजह से स्फेरिकल।